शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह, कक्षा 9वीं से हिंदी लोक भारती में से 10वां पाठ रात का चौकीदार का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण का अध्ययन किया और 8वां पाठ जो आपका है वीर भूमि पर कुछ दिन और 9वीं कविता है आपकी वरदान मांगूंगा नहीं। ये दोनों जो लेसन हैं आपके क्या किए गए हैं, सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सीधे 10वां पाठ सिखाने जा रही हूँ। रात का चौकीदार, इसके जो लेखक हैं वो है सुरेश कुशवाहा जी, ठीक है। तो अब हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और इनकी विशेषताएं काव्य संबंधी, तन्मय जी कवि और लेखक, यानी कविता भी लिखते थे और रचनाएं भी लिखते थे। इसके लिए कवि और लेखक दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अक्षरदीप, जलाएं, ये बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द ये कहानी है। शेष कुशल है, ये काव्य यानी कविता का संग्रह है। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएँ हैं। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। परिदृश्य का अर्थ होता है जो आंखों के सामने घटना घटित होती है, उसमें से लिया गया कोई अंश, तो उसको प्रस्तुत करने में ये बहुत ही कुशल हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आइए यहाँ पर पाठ देखते हैं। पहले मैं आप लोग को थोड़ा प्रस्तावना इसके बारे में बता देती हूँ। चौकीदार बहुत ही निरीह प्राणी होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अपनी जान खतरे में डालकर। चौकीदार जो रात का चौकीदार होता है, दिन के चौकीदार को तो भी उतना खतरा नहीं होता है जितने कि रात के चौकीदार को होता है। वह अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की सुरक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम कर देता है। दिन में भले कोई कितना सोए, लेकिन जो रात की नींद होती है वो अलग ही होती है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं, अर्थात उसके कार्य का उसे मेहनताना या पैसे भी नहीं देते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिसे लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलती है। लोग उसका शोषण करने से भी नहीं पीछे हटते हैं, उसी का यहाँ इस पाठ में वर्णन किया गया है। अब यहाँ देखिए, प्रस्तुत पाठ को हम लोग देखेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। दिसंबर जनवरी में जो ठंड होती है वो कैसी होती है, हाड़ मतलब हड्डियाँ को कपा देती है। अपने बाहरी चमड़ी शरीर को तो छोड़ो, अंदर तक की हड्डियों को कैसे कपकपा देने वाली होती है। लेकिन जो ये रात का चौकीदार होता है वो ऐसी अवस्था में भी क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है और रात को भी पहरा देकर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके अलावा झमझमाती बरसाती वर्षा, झमझमाती यानी बहुत ही बिजली कड़क रही हो और भयंकर बारिश हो रही हो और साथ ही बिजली कड़कड़ा रही हो, ऐसी वर्षा ऋतु में भी वो क्या करता है, अपना कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ करता है। इसके अलावा तीसरी ऋतु जो उमस भरी गर्मी होती है। उमस भरी गर्मी का एहसास कब होता है, जब हवा नहीं चलती है और जो गर्मी होती है। इसके अलावा बरसात जब होती है और बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो गर्मी होती है वो अजीब सी उमस लिए होती है, तो उसी का नाम यहाँ पे उमस का है। ऐसी गर्मी में यानी तीनों मौसम, एकदम ठंडी हो जो हड्डियों तक को हिला दे, या एकदम बिजली के साथ कड़कती हुई बरसात हो उसमें भी, और उमस भरी गर्मी, तीनों मौसम में रात का चौकीदार क्या करता है, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने कार्य में लगा रहता है और लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का निरीह प्राणी, निरीह प्राणी का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए,
निरीह प्राणी, निरीह मतलब कैसे, निरीह का अर्थ होता है बेचारा या एकदम सीधा साधा व्यक्ति, क्या करता है सड़क पर लाठी यानी लकड़ी लिया रहता है उसको ठोकते और सीटी बजाते हमें सचेत करते रहता है। सचेत का अर्थ होता है सावधान या तो क्या करता है सतर्क करता है कि मैं आप लोग की सुरक्षा कर रहा हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज़ सुनाई पड़ता है, क्या सुनाई पड़ता है उसके लाठी ठोकने की आवाज़ और उसकी सीटी बजाने की आवाज़, ये कॉलोनी में यानी जो सोसाइटी उसमें रात भर सुनाई देता है। हर महीने पहली तारीख को हल्के से अर्थात धीरे से गेट बजाकर दरवाजे को ठोककर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। बल्कि इस सोसाइटी के लोगों को ऐसा चाहिए कि सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करें और उसे दे दें, लेकिन यहाँ पे स्थिति इसके विपरीत है। उसे जाकर हर घर में दरवाज़ा ठोककर खुद अपने मेहनताना परिश्रम के पैसे मांगने पड़ रहे हैं। उस पर भी लोगों का रवैया क्या है कि वो देने के लिए तैयार नहीं है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। पैसा मांगने पर सामने वाला व्यक्ति उनसे पूछता है कितने पैसे। अब यहाँ पे देखिए तो क्या कहता है साहब जी, एक रुपये रोज के हिसाब से। और देखिए पारिश्रमिक भी कितना कम है उसका, एक रुपये के हिसाब से, ठीक है, महीने के कितने हो गए 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, जो ये रात का चौकीदार उसका नाम क्या है बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि तुमको महीने में कितने घरों से पैसे मिलते हैं, अर्थात सब घरों से उसको पैसे नहीं मिलते हैं। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से तो कभी 50 से, यहाँ क्या है उसकी भी गिनती कोई कंफर्म नहीं है, तय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कभी 50 घर से तो कभी 60 घर से। और 30 त्यौहार अर्थात कोई मौका होता है, त्यौहार होता है तो बाकी घरों से भी कभी कभार कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अब देखिए इतने कम पैसे में भी वो क्या बोल रहा है कि गुजारा ठीक ठाक से हो जाता है, पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों। देखिए गिनती है 100 सवा 100, लेकिन देने वाले लोग हैं कितने, 50 या कभी कभार 60, 50 या 60, और है कितने घर, 125 से भी ज़्यादा, फिर भी क्या बोल रहा है इतना कम क्यों। अभी लेखक पूछ रहे हैं किसको, बहादुर को, तो क्या जवाब देता है कि फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं। किसने पूछा, लेखक ने। तो हो सकता है जब वो आपको पैसे नहीं देंगे तो आप उनके घर के सामने ध्यान रखते हो कि नहीं। हाँ साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, चौकसी रखना यानी वहाँ पर ध्यान देना, ये तो क्या है मेरा काम है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान न करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वो हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देता था इसलिए चौकीदारी ने ही चोरी करवा दी, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है साहब जी। कई बार देखो ऐसा भी होता है जो लोग पैसे नहीं दिए तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चौकीदार ने जानबूझकर ऐसा कर दिया कि दोबारा हम इसको इसके चौकसी करने के या ध्यान रखने के हम इसको पैसे दें, तो वो बोलता है इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए जो घर वाले पैसे देते हैं उनकी तो मैं सुरक्षा करता हूँ, उनके यहाँ चौकीदारी करता हूँ, लेकिन जो मुझे पैसे नहीं देते, जो 50-60 घर बच जाते उनका मुझे और अधिक ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर उनके यहाँ गलती से भी चोरी हो गई, कोई दुर्घटना घट गई तो वो इसका जिम्मेदार मुझे ही मानेंगे, इसलिए मुझे उनका और ध्यान देना पड़ता है। अच्छा तो बताओ रात में अकेले घूमते हो तुम्हें डर नहीं लगता। अब देखिए कैसे पूछते हैं कि रात में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आते हैं कहीं से बाहर तो भी परिवार के साथ होते हैं, फिर भी एक अजीब सा डर लगता है क्योंकि दिन की अपेक्षा रात को आप देखते हो कि पब्लिक जो होती है बाहर कम निकलती है, गाड़ियाँ भी कम चलती है, तो थोड़ा डर सा महसूस होता है।
तो बोलते हैं रात को तुम घूमते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तो बोलते हैं डर क्यों नहीं लगता है साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है, जितने भी जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर एक तो बहुत छोटे आदमी हैं, कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। कई बार देखो रात को ऐसे लोग भी घूमते हैं जो नशे में धुत रहते हैं, गुंडे बदमाश लोग होते हैं, तो उन लोग कुछ इनको बोलते अगर ये नहीं सुनते तो इनसे झगड़े मारपीट भी कर लेते हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अब गुंडे बदमाश लोग ऐसी हरकत करें तो समझ में आता है कि वो नशे में होते हैं या दादागिरी करते हैं, तो इनको सताते वो तो समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा जो शरीफ दिखने वाले, शरीफ मतलब सज्जन दिखने वाले व्यक्ति हैं, वो भी क्या करते हैं, झिड़कियाँ अर्थात इनको फटकार देते हैं, धुतकार यानी इनके धिक्कार देते हैं, और धौंस क्या होता है यानी धमकी, ये भी क्या है रोज की बात है। गुंडे तो गुड में जो शरीफ आदमी है वो भी इनको सताने से पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करें इनकी मजबूरी है, ये उनको कुछ जवाब नहीं दे सकते। एक बार गुंडे बदमाशों से तो किसी तरह निपट सकते हैं, उनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो शरीफ सज्जन व्यक्ति है जो इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उनको ये क्या करें, उनको ये कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अच्छा बहादुर सोते कब हो तू, वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे तक, क्या होता है रोज़ सुबह 8-9 बजे तक, तो पहले ये क्या करता है कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, तसल्ली मतलब एक बार अच्छे से क्या करता है जाकर देख लेता है। यहाँ पे देखिए तसल्ली यानी ध्यान से क्या करता है एक बार जाकर देख लेता है, भरोसा कर लेता है कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर चक्कर लगाने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई अभी तुमने ही कहा तो, जो पैसे नहीं देता उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मजाक कर रहे हैं, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं कि उसे परेशान करें, लेकिन जब चौकीदार वहाँ से उनसे कोई वाद विवाद नहीं करता है कि अभी मैंने आपको इतनी बातें बताई और आप भी मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, वो चुपचाप वहाँ से क्या करता है चला जाता है और अगले घर की ओर बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। अब यहाँ देखिए नियंत्रण यानी नियम या किसी प्रकार के बंधन में बनने वाला, ठीक है, कितने नियंत्रण से एकाकी रूप से, एकाकी यानी अकेला जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट अर्थात सीधा साधा सरल भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला कितना असुरक्षित यानी उस जिसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है और वो कितना अकेला है। वो तो पूरी सोसाइटी के लोगों की, 100-125 घर के लोगों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वो अकेला कितना ही असुरक्षित है। मैं रात भर उहापोह में रहा मतलब उधेड़बुन में रहा, सोचता रहा किसके बारे में, उस चौकीदार के बारे में। ठीक से नींद भी नहीं आई, सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उसने कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, मेहनताना यानी उसका पारिश्रमिक, जो मेहनत कर रहा है उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं जो चौकीदार का कार्य है उसके कार्य के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। वैसे मैंने आप लोगों को सिद्धार्थ अभी एक्सप्लेन किया पढ़ाते हुए, यहाँ पे शब्द संसार में दिया है, देखेंगे
उमस, उमस यानी उष्णता, धौंस यानी धमकी रो, उआ पो यानी उधेड़बुन, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर है, जो कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ द्वारा भेजा है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे भेजेंगे। प्रश्न देखिए, चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन लोग होते हैं? यहाँ पे चार पॉइंट दिया हुआ है, नशे वाले, गुंडे, पत्ते वाले, बदमाश। ठीक है, नीचे दिए गए यहाँ पे प्रश्न दूसरा देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, पहरा देने वाला कौन? चौकीदार। इसका आपको वाक्य बनाना है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला जिम्मेदार। घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। पहला, जैसे सीरियल वाइज, पहले इस पार्ट में कौन सी घटना है, दूसरी कौन सी है, तीसरी है कौन सी है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, ये पहला है। दूसरा, इसमें जो तीसरा दिया हुआ है, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता है। तीसरा, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कारण लिखिए, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वालों के घरों की भी रखवाली करने के कारण। क्या होता है, अगर नहीं करेगा तो उनको लगेगा चोरी हो गई, तो वो क्या हो गई, इसके वजह से हो गई, इसके लिए चौकीदार को उनकी और अच्छे से रखवाली करनी पड़ती है। चौकीदार की सुरक्षा का कारण क्या है, जो गुंडे बदमाश हैं उनसे मारपीट होना। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है, ये मैं आप लोग को पीडीएफ द्वारा जब आपको ग्रामर कराऊंगी तो भेज दूंगी। अभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये सब मैं आपको अभी पीडीएफ द्वारा भेज रही हूँ, जो आप लिख कर मुझे मैसेज करके भेजेंगे। अगर आपको इस पार्ट से या और कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।